प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में अधिकारियों की लापरवाही सरकारी खजाने पर सेंधमारी करवा रही है और आज हम आपको इसका सबूत भी दिखाएंगे। ये सनसनीखेज मामला बहादुरगढ़ का है, जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 696 फ्लैटों में हर रोज चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोर बड़े बड़े हथौड़े लेकर आते हैं और फ्लैटों की ग्रिल, जंगले, चौखट और दरवाजे उतार कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से ये फ्लैट तैयार करवाए थे, जो कि अब खंडहर बन गए हैं और फ्लैटों का ज्यादातर सामान चोरी हो गया है। अब इसे अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर सरकार की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही चोरों को मालामाल बनाने का काम कर रही है। चोरों ने आवासीय कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर, टॉयलेट सीट और बिजली की स्विच तक को तोड़ दिया या फिर कबाड़ियों को बेच दिया। ये सर बीपीएल के फ्लैट थे सर, ये तो है नहीं, फिलहाल अब ये खंडर हो चुके हैं सर। यहाँ चोरी चकारी हो रही है, न शेडी आ रही है, सारा दिन एक काम हो रहा है यहाँ पे सर। घास भी काफी जम, घास भी काफी है, न शेडी सुबह शाम यहीं पे रहती है न शेडी, और अब इसकी चोरी चकारी कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे। दरवाजे खिड़की, दरवाजे खिड़की सब कुछ बेच चुके सर। ग्रिल भी तोड़ दी, ग्रिल भी तोड़ दिए सर। आसपास के लोग विरोध नहीं करते सर? कौन करेगा, ना सीढ़ी होते हैं सर, कभी सबको तो लगता है, कभी ना साकर के मार। ये उड़ा के फ्लैट थे, गरीबी रेखा के लिए बने हुए थे, इनमें अब अपने चोरी शुरू हो रही है, सारी तोड़ा फोड़ी आपके सामने है, बिल्कुल खिंडा दिए फ्लैट। इस बारे में जब विभाग के XCN संदीप दहिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों के निर्माण का टेंडर हुड्डा विभाग ने किया था और अब तक इन फ्लैटों को ठेकेदार से विभाग ने हैंडओवर लिया ही नहीं है। ये फ्लैट्स जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे और इसका टेंडर हुड्डा विभाग ने किया था। अभी तक ये हुड्डा विभाग ने टेक ओवर नहीं किए हैं, ये इसका अभी चौकीदारे करने का और इसकी देखरेख करने का जिम्मा अभी तक उस एजेंसी के पास है जिसने इनको बनाया था। और जैसे ही हमें अलॉटमेंट करने के लिए अलॉटीज की लिस्ट, अप्रूव्ड अलॉटीज की लिस्ट मिलेगी, हम इसको अलॉट कर देंगे। प्रशासन की लापरवाही से करोड़ों की लागत से बने इन फ्लैटों से अब तक करोड़ों का सामान चोरी हो चुका है। ऐसे में जब इनके अलॉटमेंट की बारी आएगी तब फिर से इन फ्लैटों को रिपेयर करवाया जाएगा और फिर से उस रिपेयर वर्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। वो करोड़ों रुपए भी सरकार के खाते से ही निकलने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस बेकदरी के जिम्मेदार लोगों की पहचान करें और उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी धन की सरेआम लूट बंद हो सके। प्रथम तहलका के लिए बहादुरगढ़ से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।